कई बार लास्ट में बोलना सबसे कष्ट रहे और प्रश्न की यदि आपसे पूर्व के वक्ता इतने होनहार होती सारी बात बोलते मैं भी बेटा बेटा घर से तो तैयार तो क्या करना देख रहा था कि लक्ष्मी बोल गई ये गणपति बोल गई अब बोले थे क्या आपने मैं कल रवाना हो रहा था वहां से तो परवीन सिंह जी वाले टीम ने कहा कि सर एक पोस्ट कर दो आपको थोड़ा ठीक रहे कि आप आ रहे हो ठीक है मैंने फेसबुक पे लिखा कि मैं मेरे दूसरे घर बार में जा रहा हूं मेरे बार में इतना पहला ही है मेरे गांव में कौन जानता है हम बार में लक्ष्मी जी और गणपति जी आपके खुद के लोग हैं यहाँ के लोग हैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ ज्यादातर बातें लोगों ने बोल दी मुझे लगता है मेरे बोलने के लिए सब कुछ बचा नहीं है फिर भी आप आए हो मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ गर्मी भयंकर हो रखी है आपकी बरसात बरसात नहीं दी पूरी बरसात नहीं दी बादल करते हैं आपसे एक राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार हुए शंकरदास सांभौर शंकरदास जी सांभौर का एक दोहा अपने इस रेगिस्तान की धरती के लिए अपने मरुस्थल के लिए कि पानी लोग का ही प्यार हो और रक्त पियोरी रक्त कि इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसने खून पी रखा है संकर मन में समझ जाता इस धरती को पानी क्या पिलाया जाए इस धरती ने रक्त किया है ये समझ के बादल भी शंका रखता है इसलिए आप से निकल जाता है और बरसता नहीं है मुझे लगता है यहां बरसना अपने आप में बेइज्जती करवाना है आपके बरसात नहीं भी तो आप इस बारे में राजी रहा कीजिए कि अपने बारिश इसलिए कम हुई है क्योंकि बादल अपने से भरते हैं बाड़मेर के साथ मेरा लगाव इसलिए भी कि मेरे साथ खूब सारे लोग बाड़मेर के पढ़े मेरे रूममेट रहे जयपुर के अंदर ज्यादातर लोग बाड़मेर से थे फिर कई बार आपका किसी जगह से या तो पूर्व जन्म का नाता होता है या तो लय नहीं होता है मैंने एक दिन मेरी किसी एक क्लास में मैं ऐसे कभी मंच पर नहीं बोला गणपति और लक्ष्मी नेचुरल इस प्रकार से बोलने वाले लोग हैं मैंने नहीं बोला ऐसे किसी भी मंच पर कभी खड़े होते मैं क्लास में नेचुरल बात कर लेता हूँ मैं वहां बोलने में ज्यादा सहज भी महसूस करता हूँ कि बच्चे मेरे को जानते हैं मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता है कि बीच में कुछ भी बोल जाऊंगा ये कोई बुरा नहीं मानेंगे ऐसे मंचों पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना मैंने किसी क्लास में यूं कहा कि बाड़मेर साइड के लोग हैं वो किसी भी नाम वैसे बोलते हैं रत्निंग तिरकिंग मैं इससे पहले बोलता तो तुम्हें सारी बोल देता ये पहले बोल देता मुझे
एक लगता है हमेशा कि हमें पढ़ते टाइम ये पता रहना चाहिए हमें क्या नहीं आता है। लोगों को अपनी कमजोरियां हमेशा पता रहनी चाहिए। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे सोक्रेटिस यूनान के, उनका डायलॉग है कि हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता, मुझे मेरे अज्ञानी का ज्ञान। हमें जो ज्यादा अज्ञान का ज्ञान नहीं होता कि हमें कौन सी बात पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। मास्टर स्टूडेंट को वहां जगह था कि दुनिया में हर आदमी ये जानता है, स्टूडेंट भी यहाँ तुम अपने सारे स्टूडेंट बैठे हैं कि हर स्टूडेंट ये जानता है कि क्या पढ़ना है। बहुत कम स्टूडेंट ये जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। हम भूल में लट मारते हैं। हमारी पढ़ाई का जो मार्ग होता है उस मार्ग को हम खुद ही इतना उबड़ खाबड़ इतना कंटीला बना लेते हैं जिसकी हद नहीं। माँ सुबह आपके पोती थे माई मित्रों ने कहे वो मेरे साथी रहे वहां पर, मेरे और उनका आस पास में था गणपति का, उनका नाम भी गणपति है। मैं सुबह उनसे मिलने के लिए गया मतलब उनकी कोचिंग में टेस्ट चल रहा था भी था। मैं बच्चों से बात वगैरह करने लग गया तब मैं उनको यही बता रहा था आपका एग्जाम है थोड़े दिन बाद आप एग्जाम देंगे सर क्या पढ़ेंगे। मुझे लगता है पिछले छह एक महीने में आपके किसी ने जो सवाल पूछे हैं उन पेपर को पढ़ जाना है क्यों। तो यदि आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले छह महीने में आरपीसी सेम सवाल ही पूछ रही है, चेंज नहीं कर पा रहे। अपने उन्हीं सवालों को घुमा फिरा के पूछ रही। हम कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं खूब सारे, हम खूब सारे बुक्स उठा उठा के पढ़ रहे हैं। आरपीसी अपने दायरे से बाहर नहीं निकली, उसने ले दे के वो कुछ क्वेश्चन अपने तय कर रखे हैं और उन क्वेश्चन के अंदर से पूछ रही है। पर स्टूडेंट ये काम नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। वो जैसा कि मैं लक्ष्मी पहले बता रही थी कि 17 घंटे 18 घंटे इसके अपेक्षा 7-8 घंटे पढ़ लिया जाए, रेगुलर पढ़ लिया जाए, उसमें कंटिन्यूटी ना है, डेली पढ़ लिया जाए। अभी मेरे मित्र ने गणपति से सवाल किया था कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप आए आपको एक घंटे बोल के चले जाओगे, हम दोबारा मोटिवेट कहाँ से होंगे। मुझे लगता है मोटिवेशन आने वाला है आसपास से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर से आदर्श लेके जाने चाहिए, उनके अंदर से मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए। यदि आप थोड़ा सा अपने आसपास की नजरें उठा के देखेंगे आपको खुद को लगेगा कि हमारे पास में मोटिवेशन था, हम उस तरफ देख ही नहीं पाए। मैं आजकल मेरी को लोग जानते इसीलिए हैं कि मैं राजस्थानी भाषा में बोल लेता हूँ या राजस्थानी के दोहे बोल लेता हूँ या राजस्थान का इतिहास पढ़ा लेता हूँ। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, सीधे सीधे तौर पर इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी, मैंने पहली बार जो सब्जेक्ट पढ़ाया वो मैथमेटिक्स था। मुझे आज भी यदि मेरे किसी सब्जेक्ट पर सबसे अधिक कॉन्फिडेंस रहता है ये मेरा सबसे अच्छा तो मैथमेटिक्स है, और उसमें मुझे हमेशा लगता है मैथमेटिक्स के लिए मुझे कॉपी और पेन की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना कॉपी पेन के पढ़ लूँ, बिना कॉपी पेन के पढ़ा लूँ। बीच में मैं एनिमेशन करने लग गया टॉपिक हेरिटेज के कार्टून देखे आपने, ये कार्टून वार्टून बना देगा कोई पेपर हुआ उस पेपर में पास हुआ उस एग्जाम देने लग गए। 2008 की बातें, एक्सीडेंट हुआ मेरा, हाथ पैर दोनों टूटे, घर वालों को बता नहीं सकता, घर वाले डांटे थे, साथ वाले बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा तुम कमरे में पढ़ा रहे रोटियां तो हम खिला ही देंगे तेरे को। आप जानते ही होंगे सारे ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं महेंद्र सिंह तारा, ये मेरे भैया के साथी थे, मुझे ये छोटे भाई की तरह रखते थे। इनको पता चला कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, हाथ पैर दोनों टूट रखे हैं, ये मेरे से मिलने के लिए आए, मिलने के लिए आए तो साथ में मेरे लिए किताब लाए, मुझे अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब थी मांचल दांत। मुझे लगा कि ये तो क्या करता रहता है पड़ा पड़ा सारे दिन, मैं पढ़ा रहता हूँ, ये साथ वाले दो रूममेट है ये थोड़े देर पढ़ाई कर लेते हैं फिर इसको तो पढ़ना होता है, ये अपने अंदर वाले रूम में चले जाते हैं, मैं वापस पढ़ा रहता हूँ अंदर। तू ये बुक पढ़ लिया कर राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, मुझे तो आती नहीं, तो तू पढ़ा कर, नहीं समझ में आए तो कहीं मेरे से पढ़ ले, मेरे से पूछ लेना। वो टर्निंग पॉइंट उस दिन के बाद मैं उस जगह पे उस स्थितियों में इतना घुसा, इतना अंदर तक पहुंचा
कि बाद में मुझे लगने लगा कि अपने वास्तविक फीस तो ये है, अपने मैथमेटिक्स की तरफ फालतू में माथा मार रहे, अपना स्वाभाविक रुझान इधर है। ये महेंद्र बा हमारे साथ वहां तैयारी किया करते थे, मुझे स्प्रिंग बोर्ड में ले जाने वाले यही थे, ये तैयारी छोड़ के आ गए। मुझे हमेशा आदर से ही लगी, मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनकी तरह बोलूं, मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं, इनकी तरह चलूं, ये जैसे बातचीत करते हैं वैसे मैं बातचीत करूं, हम इनके बारे में सुनते। अभी ये भैया स्केच बना के लाए, मुझे वापस याद आया कि अपने दीवारों पर स्केच बना लिया करते, सारी दीवारों पर स्केच उकेर लिया करते, कविताएं बहुत अच्छी लिख लिया करते थे। 2005 में आपके मिस्टर डेजर्ट थे, थारसरी रहे थे 2005 में, तो हम तो आज भी इनको थारसरी नाम से ही जानते हैं। ये क्रिकेट खेला करते थे, पार्थिव पटेल की और इनकी साथ में क्रिकेट खेली थी। कल मैं जब आ रहा था ट्रेन में तो मुझे स्प्रिंग बोर्ड के पुराने रूममेट मिल गए, अब गागरिया काम है, गागरिया की मुराद भाई आजकल रेलवे में इंजीनियर है, मुराद भाई मिल गए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता तो था कि तुम बाड़मेर में कार्यक्रम है उसके अंदर जाओगे, पर कैसे क्या बोलो, कैसे जानते हैं, कैसे जा रहे उस कार्यक्रम। मैंने वापस कहा कि वो महेंद्र भैया मेरे यहाँ स्प्रिंग बोर्ड मेरे सीनियर थे, उन्होंने फोन किया कैसे ऐसे कार्यक्रम है तुम आ जाएगा, उनकी बात टालना मेरे लिए असंभव है, मुझे जाना ही था उसके अंदर। आप नहीं जानते कोई महेंद्र भाई, उन्होंने कहा कैसे नहीं जानता, वो लड़की है और क्रिकेट बहुत अच्छी खिलाफ। मैं गुरुवार को बता गया जिस वह इतिहास पढ़ाएंगे आप पुनर्जागरण पढ़ाएंगे, हमने रेनेसां जिनको सब चीजें आया तो रेनेसां में इस बार एग्जाम तो देना कि महेंद्र सिंह तारा तारा पार्टी में रेनेसां में नहीं। आपके भाग्य का सौभाग्य है कि आदमी यहाँ का है, बाकी लोगों का दुर्भाग्य है कि आदमी अपना दायरा तोड़ के बाड़मेर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इन्होंने अपने आप को बाड़मेर से मिल कर लिया है। हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है, कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी का बहुत अच्छा कोट है, मैं नाम भूल गया, अभी हो रहता है कि भाई अभी गणपति सर भी कह रहे थे कि हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपके साथी बहुत अच्छे होने चाहिए, आप दोनों भूमिकाएं निभाइए, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी का सहयोग ले सके, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी को सहयोग दे सके। और किसी का यह है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसी व्यक्ति के जीवन रूपी बादलों में इंद्रधनुष बन जाना है। हम किसी के क्लाउड के रेनबो बनेंगे तो कोई हमारी क्लाउड का रेनबो बनेगा। आर्थिक समस्याएं, कुछ शिक्षा की समस्याएं, ये कुछ भी मायने नहीं रखती, और आप तो उस धरती से बिलोंग करते हैं जिस धरती के लोगों ने जितने संघर्ष देखे होंगे उतने तो कहीं रहे नहीं, आप जानते होंगे, नहीं जानता तो मैं बताऊं। ये बात सोचा कीजिए कि जब राजाओं का राज रहा था तो यार जैसलमेर का जो राजा था वो क्या टैक्स लेता होगा, ये बात लोग कहते हैं कि राजा टैक्स लिया करते थे, किस बात का, कि खेती में अभी नहीं हो रही, मान लो तो पहले तो एकदम ही नहीं हो रही होगी। उस राजा ने उस बियाबान रेगिस्तान मरुस्थल जंगल के अंदर इतना बड़ा किला खड़ा किया, इकोनॉमी के क्या सोच रहे होंगे, कहां से पैसा आता होगा उनके पास में। अभी जब थोड़ा सा कहीं जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान जब कुछ नहीं देता ना तो बहुत कुछ देता है, जब वो एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते और खोल देता है। हमारे यहाँ खेती नहीं थी अच्छी, अच्छे उद्योग नहीं थे, पर भगवान ने लोकेशन बहुत अच्छी थी। आपको लगेगा सर लोकेशन में भी ऐसी कोई ढंगी चीज तो नहीं थी हमें, तो लोकेशन का मतलब ये है कि इधर पाकिस्तान में पड़ता था सिंध, और सिंध व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, भारत की राजधानी दिल्ली और आगरा, यदि सिंध से दिल्ली और आगरा जाना है तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो कोई सिंध का व्यापारी आगरा जाएगा, आगरा का व्यापारी सिंध जाएगा, वो जैसलमेर बाड़मेर वालों को टैक्स दे ही जाएगा। सबसे अधिक पारगमन शुल्क को लिया करता तो यहाँ के राजा लिया करते, तो अपने यहाँ के लोग व्यापारी थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेम्सटोन अपने बुक में हरसाणी गांव का उल्लेख करता है, जेम्सटोन की बुक में शिव और कोटड़ा है, वो लिखता है कोटड़ा में किसी समय 400 परिवार थे, आजकल थोड़े लोग बाहर गए हैं इसलिए परिवार 200 बचे हैं। वो लिखता है कि इधर देवका नाम की एक जगह है और देवका के अंदर सूर्य का मंदिर है, वो लिखता है कि बीच में मुलाना नाम की एक जगह थी, मुलाना के अंदर
सूर्य का मंदिर बना रहा है, उसने पूरे दो चैप्टर आपके दस मिनट बाद उनको लिख मारे, आपके लोगों का उनके साथ व्यापार। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद में एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे, बॉम्बे बंदरगाह बनते अपने इधर से जो रूट हुआ करते थे वो रूट खत्म हो गए, क्योंकि सिंध की कैपिटल हुआ करती कराची, और यदि जलमार्ग से आप बॉम्बे से कराची जाएंगे तो एकदम ही नजदीक पड़ता है, वो एकदम सामने दिखने वाली सी जगह है, इसलिए अपने यहाँ का व्यापार समाप्त हो गया। तो क्या हमारे यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया, क्या हमारे यहाँ के लोग कहीं पे चले गए? ना, वो इसी धरती में रहे, उन्होंने कहा दूसरा धंधा करेंगे, उन्होंने खेती की तरफ रुझान किया होगा, खेती के नए तरीके लाए होंगे। आज जब बूंद बूंद सिंचाई जैसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है यार इसी धरती पे तो आपके पालीवाल ब्राह्मण रहे थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी व्यवस्था शुरू करके बूंद बूंद सिंचाई कर दी। आज भारत सरकार इजराइल से बुलाती है किसी को कि कम पानी के अंदर सिंचाई कैसे की जाए, वो पालीवालों की उस पुराने वाटर जनरेशन को क्यों नहीं वापस रिस्टोर कर लेती, कि कैसे उन्होंने कम जल के अंदर भी यहाँ पर सिंचाई कर ली। समय बदलता है, सब चीजों का समय बदलता है। वो बाड़मेर जैसलमेर जो कभी ये माना जाता था कि जयपुर के अंदर अफसर अपने जूनियर को डराया करते थे, यदि ढंग से मेरी बात नहीं मानी तो पोस्टिंग बाड़मेर कर दूंगा, ये काले पानी की सजा हुआ करती है, वो बाड़मेर का काला सोना उगलता है। जोधपुर में महाराजा हुए थे जसवंत सिंह, काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग रही उनकी, दुर्गादास राठौर जिनको आप जानते हैं, दुर्गादास राठौर के जो राजा थे जसवंत सिंह काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग, काबुल में अनार हुआ करते थे, उस राजा जसवंत सिंह को लगा अनार क्यों ना जोधपुर में लगा लिया जाए, क्यों ना बाड़मेर में लगा लिया जाए, और उसने अपने यहाँ पर अनार की खेती की। अलग ही राजा चेंज हुए, अजीत सिंह राजा बने, उसके बाद का पूरा जीवन जोधपुर के राजा का संघर्ष में निकल गया और अनार वाली खेती आगे भी बढ़ पाई। पर हमारे यहाँ के लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि यहाँ पे अनार की खेती हो सकती है। आज जब बालोतरा के आसपास यदि कोई आदमी आए तो दिमाग खराब हो जाए, उसे लगे कि यार अनुमत जैसलमेर बाड़मेर के बारे में छवि यह है कि मिट्टी के दोहरे होंगे, महिला एक सिर पे सात आठ मटके रखने गली पानी लेने के लिए जाती होगी, बीच में कुआं पर एक लीटर का दूध भी डाल देती होगी, ऊंट चल रहे होंगे वहां पे, हरियाली नाम की चीज नहीं रही होगी, और वो यदि क्षेत्र के अंदर आके देखे उसे पता चले यार चमन हो रहा है। मुझे एक स्टूडेंट ने एक दिन कहा कि सर ये बार बार क्या कहते रहते हो, बाड़मेर में अनार होते हैं अनार होते, ये भी बताओ हमारे अंगूर होते हैं, और जो सीवाना साहब अंजीर होने लगे, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम कैसे उगा लोगे। चीजें बाकी नहीं रही है, पढ़ाई वाले मामले में आपने बाकी लोगों को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जयपुर में आपसे लोग डरते हैं। आपके गिराब के महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सीनियर रहे हुए स्प्रिंग बोर्ड में, बड़े भाई जैसे हैं, हमें खूब मोटिवेट वो करते हैं, हमारे आसपास के एक और करेक्टर जिनसे खूब मोटिवेशन मिला है। मुझे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे लगता है कि उनका जो 2008 में आठवीं रेंज से आरएएस में सिलेक्शन था वो बाड़मेर के इतिहास का वाटरशेड है, वो बाड़मेर के इतिहास का जल विभाजक है, कि वहां से पहले बाड़मेर में पढ़ाई के प्रति रुझान, उसके बाद में पढ़ाई के प्रति रुझान एक अलग ही। सैकड़ों की तादाद के अंदर आसपास के कोचिंग के आसपास के जो रूम होते हैं उनके अंदर बाड़मेर 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 दिखता है। आजकल तो मुझे बच्चे हंसते रहते हैं कि सर एक तो ये आपकी ओर फेमस कर दिया। आजकल ये जो हमारे पीजी वाले होते हैं जो है तो लोकल जयपुर का, लेकिन वो भी हमसे पूछता है कि रोटी है ले सो बेल ले सो। पर मुझे बाड़मेर वालों के साथ खूब लंबे टाइम तक रहने का मौका मिला, इतना नजदीकी संपर्क कर रहा, मुझे एक हमेशा ये कमी नजर आई, महेंद्र बहादुर छोड़ गए, ये जरूर एक ऐसे करेक्टर हुए जिनके राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें कोई जानकार नहीं, इनकी बदौलत हमारे भी वो दोस्त बने कि हम सब जगह जानते हैं। बाकी आप लोग जयपुर जाके भी रहते सब बाड़मेर वाले साथ साथ में, मुझे लगता है टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए। जो अभी गणपत जी कह रहे थे कि दायरे तोड़ने इतने सरल नहीं होते, कठिन बात है, लेकिन दायरा तोड़ोगे और खूब सारी चीजें सीखोगे। मैं चूरू का रहने वाला हूँ, यदि मैं बाड़मेर की भाषा सीख गया, यदि मैं बाड़मेर की कल्चर के बारे में जान गया, यदि मैं बाड़मेर के लोगों के बारे में जान गया, इसका एकमात्र कारण था कि मैं बाड़मेर के लोगों के साथ खूब रहा। यदि मैं चुरू चुरू वालों के साथ ही रहा होता तो इधर की भाषा सीखने का तो मतलब ही नहीं था, कहाँ से सीख पाते हैं हम, बेबी बोलते हैं।
आप गुजरात के पास हो इसलिए आप बे बोलते हो, हमारे वहां पे बे का कल्चर नहीं है, हम लोग दो ही कह रहे हैं वहां पर। आप लोगों को भी ये टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए, भाषा के टेबू तोड़ने चाहिए। हम इस बात को लेकर हमेशा ही कहते रहते हैं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती, गणपति यही कह रहे थे कि इनकी अंग्रेजी कमजोर थी। पर मैं चाहूंगा कि अगली बार आप में से कोई सेलेक्ट हो यहाँ पर कोई बोले तो ये ना कहे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है। हम किसी भी विषय में मैं चाहूंगा कि आप में से अगली बार कोई उद्बोधन दे, संबोधन दे तो अंग्रेजी के अंदर वो संबोधन दे, भाषाएं सीखी जानी चाहिए। पढ़ाई की जब बात की जाती है, अक्सर हम कोचिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर या किसी दूसरे सेलेक्ट बंदे को भी अपने जब सुनते हैं तो सारे लोग ये बताएंगे भाई ये बुक पढ़ लेने चाहिए, ये नोट्स पढ़ लेने चाहिए। मैं आपको इससे भीतर जाके बोलूँगा, नोट्स और इन किताबों से बाहर भी आप तो पढ़ने की हैबिट डाल, आप कुछ भी पढ़ा कीजिए। हमें मुझे बड़ा ये विडम्बना सी लगती है हमेशा कि हम भारतीय लोग प्रेमचंद जी की तीन किताबें नहीं पढ़े, प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार हमने प्रोड्यूस किया। पर मैं क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ कि हिंदी लिटरेचर कितने लोगों के पास रहा था, खूब सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं उनको बताऊँ कि यार कोई कबीर जी के पांच दोहे सुना दो, या तुलसी के पांच दोहे सुना दो, या रहीम जी के पांच दोहे सुना दो, तो मुस्कुरा के वापस कहता है सर वनवीर श्री क्यों ये कर रहे हो वापस आप, आपको पता है कि दोहे हमने पढ़े नहीं। मैं वापस उस कई बार बच्चे आते हैं पूछने के लिए सर ये नोट्स तो आपने पढ़ा दिए और क्या पढ़े, प्रेमचंद जी को पढ़े, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़े, विजयदान देथा को पढ़े, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पढ़े। इससे भी और अच्छा फिल्में देख, जितनी देख सकता है उतनी देख। ये भगवान जाने हमारे मन में फिल्मों के प्रति टैबू कहां से आया कि फिल्मों का नाम लेना असली हिस्सा माना जाता है। जैसे कहा जाए कि फिल्में देखी जाए अगला मुस्कुराता गया अच्छा हमें एक काम करना पड़ से आपके सोच के दायरे इतने खोलेगी जिसकी हद नहीं। हो सके तो विश्व सिनेमा देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, दिमाग के दायरे खुलेंगे, बाहर निकलिए क्या बोल सकते। किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुम कहां कहां घूमे, कि पढ़ाई से भी ज्यादा हमें यात्राएं सिखाती है इतनी सारी चीजें। पर चूंकि हम विद्यार्थी जीवन के अंदर है तो हम घूम नहीं सकते, तो भी दुनिया को जानने का दूसरा अच्छा तरीका पढ़ाई है। तो पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए ये साइड की बात है। जो किताब जैसी किताब जो सामने आती वो पढ़ी है। मैंने 10th तक क्रिकेट सम्राट इतनी पढ़ी होगी, इतनी बेहतर पढ़ी होगी कि मुझे यदि कोई कहे कि क्रिकेट पे 10 घंटे तक लगातार बोलना है मुझे मजा आया, और मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक सही दिया और यहाँ मैं बहुत अच्छा बोला। मुझे कोई बॉलीवुड के बारे में पूछना चाहे मुझे लगा हाँ ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा। मैंने जयप्रकाश चौकसे के लेख कई सालों तक पढ़े, मैंने फिल्मी मैजिक खूब सारी पढ़ ली, यहाँ मैं बहुत अच्छी सी बात करता हूँ। साहित्य की बात की जाए मुझे अच्छा लगता है, अंग्रेजी नहीं आने का मुझे एक हमेशा ये मलाल रहा अच्छी अंग्रेजी नहीं आने का, क्या अच्छे इंग्लिश तो राइटरों की किताबें नहीं पढ़ पाए जबकि ज्यादातर जो किताबें हम इंग्लिश के अंदर। मैं 2018 में रशिया था साथ में, हम हमारे गाइड से रशिया में कहीं भी पूछते ये जो चौराहे में मूर्ति लगी हुई किसकी है, वो हमें कहता कि दोस्तोवस्की है, ये कौन है आगे जो तुम्हारे, उसने कहा मैक्सिम गोर्की, ये जो आगे ये कौन है, उसने कहा लियो टॉल्स्टॉय है, ये सारे कौन है, फिर हमारे रशिया के साहित्यकार। आगे किसी ने कहकर इसके हाथ में बंदूक है, ये तो पक्का ही साहित्यकार नहीं होगा, बंडोर का जनरल था। ये वाला जो फौजी ड्रेस में है, उसने कहा नेपोलियन के साथ में जब जाके जंग हुई थी तो जंग के अंदर लड़ने वाले लोग थे, एक भी नेता की तस्वीर नहीं थी उन लोगों ने अपने आदर्श फौजियों को बना रखे। उन लोगों ने अपने आदर्श पढ़ने लिखने वाले लोगों को बना रखे। हम अक्सर नेताओं के अंदर आदर्श ढूंढने लग जाते हैं, होंगे उनमें भी आदर्श होते हैं, हर पैसा उनके अंदर भी अच्छे या बुरे लोग होते हैं, पर फिर भी विद्यार्थी जीवन के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री से जितना बचा जाए उतना बच गया। मुझे कई बार बहुत लगता है, मैं महेंद्र वहां पर हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे कई बार लगता है कि जकरबर्ग बहुत जल्दी बाढ़ में आके आपको सम्मानित करके जाएगा,
कि बाद में वाले जितने फेसबुक पे हैं उतना दूसरा संबोधन कोई दूसरे जिले के लोग नहीं है। विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा सोचिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मत होइए, आप सोशल रहिए, खूब सोशल रहिए, लेकिन थोड़ा होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, पर इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाए, एडिक्शन जिस चीज को हम कर रहे हैं अति सर्वत्र वर्जी है, तो अति बुरी हो जाती है वो, अति गुत्या है। आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा ये व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, अब जो दूसरा चलाते हैं वो चला लीजिए, पर उसके अलावा बाकी टाइम के अंदर आप किताबें पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। आप यदि मोबाइल में भी कुछ पढ़ रहे हैं तो मतलब किंडल डाउनलोड कीजिए, एक ऐप आता है किंडल, उसमें किताबें बहुत सारी, वो किताबें वहां से डाउनलोड कीजिए, सस्ती मिल जाएगी, वो किताबें पढ़ना सीखिए। आप यात्राएं करते हैं, आप बस में कहीं जा रहे हैं तीन चार घंटे, आपने जब बस में तीन चार घंटे जाना होता है आपने ये दिमाग में रहता है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो चार घंटे बैटरी तो डाउन ना, और चार घंटे मैं वीडियो देख लूंगा। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आगे कहता है कि सर मैं सारे दिन आपकी वीडियो देखता हूँ, पर मैं उसको कहना चाहता हूँ तू देखता नहीं है, यूट्यूब दिखा रही है, तूने मेरे दो ही वीडियो देखे हो, यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता लगाया कि तेरी रुचि किसकी है, अब तू नहीं चाहेगा तो भी जैसे यूट्यूब खोलेगा उसमें वीडियो मेरा ही है, उसने आपके दिमाग में कब्जा कर लिया अपनी। आप इसकी अपेक्षा ये कोशिश कीजिए कि आप किताबें साथ में लेके जाए। मैं घर वाले बीकानेर रहते हैं, मैं अभी जयपुर से बीकानेर जा रहा था, गया रास्ते में क्या किया जाए, एक जेपी में लिखी हुई बुक पड़ी थी, तीन चार घंटे का रास्ता था, जितनी खत्म हुई जेपी वाली बुक कम्प्लीट कर, चार बातें नहीं सीखा उससे, मैं कंपटीशन नहीं देता, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं केवल पढ़ाने का ही काम करता हूँ, पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विद्यार्थी बना रहता है। हमें कलाम सबसे ये सीखने की बेहद आवश्यकता है कि अंतिम समय तक पढ़ते रहे। पढ़ाई जो भाई गणपति कह रहे थे कि माँ सरस्वती आप पर कभी ऋण नहीं देगी, आप कुछ भी पढ़ लेंगे कहीं से भी पढ़ लेंगे वो काम आएगा आपके। आज ईद उल अजहा है, ईद है, आज कुर्बानी का त्यौहार होता है, किसकी कुर्बानी दी जाए, हालांकि अब हमने सिंबॉलिक रूप में बकरे की भेड़ की कुर्बानियां देने शुरू कर दी, बस इस त्यौहार के पीछे लॉजिक ये था कि उन चीजों की कुर्बानी दे दी जाए जिनके हम एडिक्ट हैं, हम मोहम्मद हैं, हमें ना फंसे किसी भी चीज, बस ईद के दिन आप ये भी संकल्प लें विद्यार्थी जीवन में जितने भी लोग हैं कि सोशल मीडिया का थोड़ा प्रयोग हम करें, सारा एक साथ नहीं छूटेगा आपसे, पर जितना छूट जाए उतनी भली बात, जितना कम हो जाए उतनी भली बात। रोजगार की चिंता रहती है, विद्यार्थी जीवन में स्वाभाविक चिंता है कि रोजगार की चिंता रहे, पर उसको बर्डन मत बनाइए, उसको भी अपने ऊपर लादिए मत कि सिलेक्शन करवा दा, सिलेक्शन करवा दा, सिलेक्शन करवा दा। मैंने ऐसे बच्चों को अक्सर जो गणपत जी बता रहे थे एग्जाम में हड़बड़ होते देखा, थोड़े से चिल रहेंगे, थोड़ी सी लाइफ को इंजॉय करेंगे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे किन चीज़ों को ज़रा अच्छे से बिजली कैप्चर कर पा रहे थे, ज़्यादा अच्छे से उसको परस्यू कर पा रहे थे। जिन लोगों ने इतना लोड नहीं लिया उन लोगों के इतने एग्जाम में सिलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी हद गणपति वाले आप सारे जानते हो, बहन लक्ष्मी थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, थानेदार में हुआ, आरएस लग गई, ये काम तो हो गई पढ़ती नहीं है, आईएएस दे तो आईएएस के अंदर लग गई। इधर आप मुझे नहीं पता खड़े होंगे, मोहनलाल जी गोदारा खड़े थे, ये हमारे 2015 में हमने एक बार एक फर्स्ट ग्रेड का बेच बना लिया था अनुमन स्प्रिंग बोर्ड में, हमारे साथ ये तैयारी करवाते हैं, उस साल वो एक बेच बन गया, ये हमारे बाहर के स्टूडेंट थे, मैं पढ़ाया करता था स्प्रिंग, लगभग हम उम्र से ही है तो दोस्त टाइप वाला सा ही था, गुरु वाला कभी बन ही नहीं पाया था अपने आप में। ये पुलिस में थे, बाद में नर्सिंग वाले किसी डिपार्टमेंट के अंदर थे, बाद में फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। इस बंदे का स्प्रिंग से सीधे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं, जो नर्सिंग सब्जेक्ट से था, जो अपने नौकरी करते हुए साथ में इधर एग्जाम दे रहा था, और उन लोगों के सिलेक्शन हो गए। और कई बार हम खुद को ही कम आंक लेते हैं, एक आधी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होता है उसके बाद में हम खुद ही संतोष धारण कर लेते हैं। अक्सर अपने बुजुर्ग कहा करते थे कि संतोषी होना अच्छी बात है, अब छोड़िए इस चीज़ को, संतोषी होना कतई अच्छी बात है, संतोषी होना बहुत बुरी बात है,
ये विजय बेटा, ये मैं रूम के पास ही रहा करता था, छोटे भाई जैसा है, बास्केटबॉल का बहुत शानदार प्लेयर है, बॉडी बॉडी बना के घूमता है, वहाँ भी डेली मेरे को सुबह सुबह उठा के लेके जाता है, उठो दौड़ो, दौड़ते नहीं हो थोड़े दिन के अंदर लकवा मार जाएगा, कुछ और हो जाएगा आपके, ये दौड़ा लेके भी जाएगा, फिर इसका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। ये मेरे इन्जॉय कर रहा है, संतोष धारण कर रहे, मुझे उस टाइम लगता था ये पास में रहता था, छोटे भाई जैसा था, बहुत जूनियर है मेरे से, तब कई बार याद करके आता कि आज मैंने हिस्ट्री के 10 पन्ने याद किए, सुन लो गया फ्री बैठा रहता था तो सुना दे, पर ये मुझे बिट्टू वैसे वैसे पन्ने सुना दिया करता, पर मुझे हमेशा लगता यार ये टाबर को मत जाएगा, पर टाबर को भी संतोष धारण करके बैठा है, और उसको लगा यहाँ बाढ़ में बाढ़ में बाढ़ साहब लगे हुए, चार टाबर आके बाढ़ साहब कर लेते हैं, घर वाले राजी है, और अपने को बाद में जिंदगी में इसके अलावा और क्या चाहिए होता है, आप तीन टबों को भी तोड़िए, अब बाहर निकलेंगे सितारों से आगे जहाँ और खूब सारी चीजें पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, यात्राएं करेंगे, बाहर जाएंगे, इतनी चीजें सीखेंगे कि जिंदगी के अंदर हर जगह काम आएंगे, केवल सीधी सीधी वाली पढ़ाई आपको नौकरियां दिला देगी वो अच्छा नागरिक नहीं बना पाती, वरना जब आप खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, खूब सारे लोगों से मिलते हैं, खूब सारी यात्राएं करते हैं, आपका व्यक्तित्व तो निकाल सकते हैं। ये जो आप कह रहे थे कि इतने साल लग जाते हैं, 5 साल लगे, 6 साल लगे, आप यूँ मानिए कि आपके व्यक्तित्व में निवेश है। मेरा हमेशा मानना रहा कि हर बंदे को भले ही उसको नौकरी करनी हो या ना करनी हो, उसे एक बार कंपटीशन की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। मेरे से छोटे वाले भाई ने बहुत जल्दी हाथ खड़े किए, उसने कहा नहीं देना एग्जाम मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं एग्जाम मत दे, तो कोचिंग कर पढ़ लो, 1.5-2 साल पढ़, मत देना एग्जाम। मनुष्य बनने की प्रक्रिया का अहम पड़ाव है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप नौकरी करने लग जाएंगे, जिंदगी में ज़्यादा अच्छी जगह पे होंगे, तब आपको लगेगा कि वो जो जीवन जिया था वो सबसे अच्छा था। कई बार मंजिल में उतना मजा नहीं आता जितना सफर में आता है, ये सफर है, इस सफर के दौरान ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल रहना चाहिए, इंजॉय करते हुए पढ़ा रहना चाहिए। आप बढ़ लेके पढ़ेंगे तो भी वो सफर कभी इतना अच्छा नहीं लगेगा, और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको रोकेगा। इस बर्डन को यदि आप दूर करेंगे, इसी वे के अंदर लेके पढ़ेंगे, तो जिंदगी आपके लिए ज्यादा सुकूनदायक है, ज्यादा अच्छी है। एक बार अक्सर मेरे से वहां बच्चे खूब सारे पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, कोई सर ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, आगे कोई इकोनॉमी पढ़ा लेते हैं, बच्चे उनको पढ़ के पास हुए जाते हैं। अक्सर बच्चे आगे पूछते हैं सर करंट जीके जो है कब से पढ़े, आज से पढ़े। सर एग्जाम तो मेरे को देना 2024 में, मैं भी सर छोटा ही है तो 2023 वाली वैकेंसी दे पाऊंगा, 2024 वाली दे पाऊंगा, तो सर तब तक तो करंट जीके बचे गए सर, उस टाइम वाला पढ़ लो। मुझे वापस लगता है करंट जीके पढ़ना सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व तो विकास है। यदि विद्यार्थी जीवन में किसी आदमी को अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी नहीं है, ये अपराध है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन के अंदर नहीं जानता कि शिंजो आबे कौन है, इसका मतलब अपने साथ में बुरा सलूक करता है। आप डेली हैबिट डालिए कि आप करंट डेली पढ़िए। ये पता नहीं हमने क्यों छोड़ दिया, आपके इस साइड के अंदर भी रहा होगा, हमारे उस साइड में मेरी परवरिश गंगानगर वाले उस बेड के अंदर खूब, मेरे पापा वहाँ टीचर रहे हैं नहरी एरिया में, मैं वहां देखा करता था कि 9:45 बीबीसी वाली खबरें आया, 8:45 रेडियो पे बीबीसी की खबरें आया, और सारा का सारा गांव 8:45 का हर घर के अंदर रेडियो बजता था, और वो लोग बीबीसी पर खबरें सुना करते थे। उन्होंने बुजुर्गों के अंदर ये सपने था कि उनको एग्जाम नहीं देना था, वो अनपढ़ लोग थे, परंतु उस डे टू डे की लाइफ के बारे में जानना, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना उनकी हॉबी थी, हमने हमारी ये हॉबी भी क्या की। इसलिए इनको हैबिट डालने के लिए अखबार पढ़े, सुबह सुबह नाम पढ़ा जाए, सुबह सुबह अखबार साफ लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मी और गणपति पढ़े तो भले लगते हैं सुबह सुबह पढ़ते हैं, आप रात को पढ़ा दीजिए, रात को सोने से पहले पढ़ा दीजिए, क्योंकि दिन में अखबार देख लेंगे तो पूरे दिन अखबार की घटनाएं आपके दिमाग में चलेगी। मैं इसीलिए सोशल मीडिया का मना कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सर हमने 15 मिनट फेसबुक देखी थी, 15 मिनट फेसबुक पर हमने जो कुछ देखा अगले 2 घंटे बर्बाद कर देगा, अगले 2 घंटे तक वो पढ़ाई तो कम से कम आपके दिमाग में नहीं जाएगी, इसके अलावा तो उसकी इधर उधर की खूब सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चलती रहेंगी। ये कि वो अखबार वाली बात है कि अखबार रात को पढ़ लिया जाए,
अपने लिए वो एक सब्जेक्ट बना के पढ़िया जाए, वैसे पढ़िया जाए विद्यार्थी उसमें भी डेवलपमेंट टाइप से नहीं पढ़ा जाए कि हमारे लिए सब्जेक्ट है, पर डे टू डे की लाइफ के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मुझे लगता है कि ये तैयारी थोड़ी होती है, ये तो जीवन प्रक्रिया है। हमने 20, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल की उम्र में आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, उस समय तक जो कुछ सीखा है वो सब कुछ पूछा जाए, और यदि सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है तो मतलब ही नहीं बचा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका, गर्मी पड़ रही है, पहन कर वाली मैं इस बात को ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि हम राजस्थान के लोग हैं, इसी गर्मी को झेलने के आदि हैं। अभी मैं जब बैठा था तो प्रवीण मुझे कह रहे थे सर इधर बैठ जाओ ऊपर पंखा है, फिर इन्होंने मेरी साइकिल ला के फिर पंखा और लगाया उन्होंने। मुझे लक्ष्मीपुर चंद्रवत का एक किस्सा याद है, हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए, जवाब में हिरोशिमा नागासाकी तो वो बम डाले गए, बम डालने के कई साल बाद में कहा गया कि दुनिया में इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग ना हो। 1970 के दशक की बात है, जापान में कार्यक्रम किया गया उनकी याद में, उन परमाणु जो बम डाले गए जिनसे लोग मरे उनकी याद में कार्यक्रम किया गया ताकि दुनिया को ये सावचेत किया जा सके इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो। भारत से जिस महिला को भेजा गया वो लक्ष्मी कुमारी चंदावत थी, उस समय पॉलिटिशियन हुआ करते थे, अपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के सदस्य थे, अपने विधायक रहे थे कुछ समय तक। उनका मैं किस्सा बता रहा था, उन्होंने लिखा कि जापान में जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उस जगह में बहुत गर्मी थी, और गर्मी भी वो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी थी उस प्रकार की थी वहां पर गर्मी, इसलिए सबके पसीने चो रहे थे। मैं भी बहुत गर्मी के अंदर ही थी, पर मैं चुपता बैठी थी, क्या किया जा सकता था, वातावरण ही ऐसा। मेरे पास में इंग्लैंड की एक महिला बैठी थी, और उस महिला ने बेचारी ने बार बार अपने पास एक स्प्रे था और स्प्रे को छिड़क दिया, सर गर्मी कम करने का कोई स्प्रे मेरे जो मेरे पास रहा होगा जिसको छिड़क दे, ठंडे प्रदेश के लोग को गर्मी ज्यादा ही लगती है। उसने अचानक लक्ष्मी कुमारी चंदावत की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये महिला साड़ी में घोटमोट होके बैठी है, तो इसको तो भयंकर गर्मी लगती है क्योंकि मैंने तो बहुत कम कपड़े पहन रखे तो भी गर्मी लग रही है, ये तो मर जाएगी थोड़ी देर के अंदर। और उसने लक्ष्मी कुमारी चंदावत की तरफ वो स्प्रे किया कि बहन तुम भी छिड़क ले थोड़ा सा तो थोड़ी गर्मी तो कम लगेगी। लक्ष्मी कुमारी चंदावत कहते हैं मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं किसी से भी मर सकती हूँ, गर्मी से तो नहीं मरूंगी। तो वहां से बिलोंग करते हो इसलिए कम से कम इस चीज से तो मैं नहीं मरूंगी, उसको कहा कि मैम ये तो तुम अपने पास रखी है। पर फिर भी हॉल का वातावरण इतना ज्यादा सा हो रखा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, फिर मैं मेरी उसी बात पर होता हूँ। इजी रहिए जिंदगी, लाइफ जिए और ढंग से लाइफ जी जाए, काम आएगी, निवेश किया हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा। अब यदि पढ़ाई में अच्छी चीजों को पढ़ने में सीखने में देखने में लगाओगे कितना जिंदगी काम है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का जब सिलेक्शन हुआ था वो हमें क्लास में मोटिवेट करने के लिए आया था, तब वो अक्सर हमें कहा करते थे, किसी एक शायर की लाइनें सुनाया करते, मुझे शायरों का नाम तो याद नहीं रहे, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ये जिंदगी क्या है किताबें बैठा कर देखो। अक्सर हमें एक और जब हम ये बात करते हैं कि हमारा कोई आदर्श है, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, मेरे में भी ये कमी रही है, आप में भी रहती होगी, हम हमेशा एग्जैक्टली उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पढ़ाता मैं पढ़ लूंगा। हम किसी भी टॉपर जो होते हैं उनसे पूछते हैं आप कैसे पढ़े थे, वो बताता है मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था। हम चाहते हैं कि हम भी जैसा बने। भगवान ने सब लोगों के रूप भी एक जैसे नहीं बनाए, पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो व्यवहार वो होते जो बहुत अच्छे उनमें एक आपके बीच में दसवीं आवाज इतनी प्यारी है घंटे पहले दो घंटे पहले उठी, दो घंटे पहले ये विश्वास करते हैं कि मैं
बाद में कृपा सिंह जी के क्या सीक्रेट ले जाऊंगा उसके लिए, और उसको पता है कि मैं उसका क्या है, उसको सब कैसे बदल सकेंगे, क्योंकि माता जी के लिए और उनकी मैडम के लिए मुझे पता नहीं है, जब वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो मेरा मुझे थोड़ा विचार करता रहता है, और मेरे मन में भी बाकी सारे जो भी उनके बारे में भी तो बात कोई ना।
वो लड़का बहुत जवाब देता है कि मजा प्यार दा चख लांगे, मजा प्यार दा चख लांगे, जे तेरा हुक्म होवे असी दाई भी रख लांगे। चलो धन्यवाद।